YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पांकी प्रखंड के लोहरसी पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने मुख्यापति विजय ठाकुर और उप मुख्यापति सुहेल अंसारी पर प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध राशि की वसूली करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की माने तो पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के एवज में मुख्यापति और उप मुख्यापति द्वारा दबाव डालकर 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए की दर से प्रति आवास नजायज वसूली की गई, जबकि राशि देने में आनाकानी करने वाले लाभार्थियों का सूची से नाम काटे जाने का खेल भी पंचायती शक्ति का ध्वंस दिखलाकर मनमाने ढंग से खेला गया। आवास लाभुक चिंता देवी ने बताया कि खाते में 26,000 रुपए भुगतान होने पर मुख्यापति विजय ठाकुर द्वारा 10,000 रुपए की मांग की गई और संपूर्ण राशि निकासी कराकर उसमें से योजना खर्च के नाम पर 5,000 रुपए मुख्यापति द्वारा तुरंत ले लिए। आवास योजना के लिए मुख्यापति और उपमुख्यापति द्वारा खेले जा रहे खेल में गांव के ही उपेंद्र यादव, दुखनी कुंवर, उमेश पासवान, उस्ताद यादव, सविता कुंवर, मुस्तफा अंसारी और साबिर अंसारी से अवैध राशि की कुल वसूली करीब 70,000 से 80,000 रुपए किए गए, जबकि अवैध उगाही से त्रस्त लोहरसी के अलावे तितलंगी, जसपुर, हेसातु गांव के दर्जनों लाभुक शामिल है। अवैध उगाही की लिखित शिकायत ग्रामीणों ने पलामू उपायुक्त कर मुख्यापति और उप मुख्यापति के खिलाफ समुचित कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि लोहरसी पंचायत में पीएम आवास योजना के तहत लगभग 125 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आवास योजना में भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है। कितने मजे से बिचौलिए चांदी काट अपनी तिजोरी गर्म कर रहे हैं, यह प्रशासनिक स्तर से जांच का विषय है। इस संदर्भ में पाकी पूर्वी जीप सदस्य लवली गुप्ता ने दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई होने की बातें कही। क्या नाम है आपका? चिंता देवी। आप ही के नाम से आवास आया है? हाँ। कितने पैसे की निकासी हुई है? 25,000 और 26,000 किनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है? अब मांगे ला तो अब मुखिया जी कहा जे हम साइन करब तो पैसा निकले। कौन है आपके मुखिया, जानते हैं आप? विजय ठाकुर। विजय ठाकुर उनके पति हैं? हाँ। उनकी पत्नी मुखिया हुई। पैसे आपसे कौन मांगते हैं? मतलब एक बार मांग ले लन तो हम मैंने सब कोई कलन जे जमीन 10,000। कौन मांगे थे पैसे? मागिर तोरो देवे परतवे तो हम 5,000 मतलब लेच के दे देले। 5,000 दे चुके हैं आप? हाँ। किनको दिए थे पैसा आप? उनकरे मुखिया जी के। क्या नाम है आपका? उपेंद्र यादव। आवास आप ही का बन रहा है ये? हाँ। आवास योजना में किनको आप पैसा दिए हैं? मुख्यापति विजय ठाकुर। विजय ठाकुर जी को? हाँ। कितने पैसे दिए हैं आप? 10,000। किस एवज में पैसा मांगे हो आपसे? बोले कि नहीं इसे नहीं दीजिएगा तो और किसी को हो जाएगा, डर बना करके। दे चुके पैसा? हाँ, आगे खर्चा भी है इसे। कब दिया था पैसा? इसकी शिकायत आप कभी किए? नहीं नहीं किए। क्या नाम है आपका? शमशेर अंसारी। किस गांव में रहते हैं आप? जसपुर। पंचायत का नाम? लोहरसी। कब मिला था आपको आवास? 2017 में। क्या मामला है आवास को लेकर? आवास लेकर के यही मामला है कि जैसे 10,000 रुपया उन लोग आवास पहले बोले कि 10,000 रुपया हमको चाहिए। कौन लोग बोले थे ये? बोले उप मुखिया के पति। उप मुखिया के पति, क्या नाम है उनका? सुहेल अंसारी। पैसे दे चुके हैं आप? हाँ दे दिए। कितने पैसे दिए उनको? एक बार दिए हैं 10,000, एक बार दिए हैं 500। ये अवैध पैसे आप लोग जो दिए, इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने कहीं की? नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वास अंसारी। किस गांव में रहते हैं आप? हरसातु। पंचायत? लोहरसी। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या मामला है? मामला यही सर, समझिए उप मुखिया ने पैसा दिया, समझिए हम लोग पैसा दिए सूद पर उठा के। उप मुखिया को दिया है पैसा? जी हाँ। उप मुखिया कौन है पंचायत के? सुहेल अंसारी, उसका सहनाज बीबी है। सहनाज बीबी उप मुखिया है ना? हाँ। पैसा किनको दिया आप? सुहेल अंसारी। उनके पति को? पति को। कितने पैसे दिए? 12,000 दिए। किस एवज में पैसा लिए, क्या बोल रहे थे? बोले सर भाई नहीं देगा तो नहीं होगा, हमारा घर गिरल था सर, दो साल पहले। कर्ज पर पैसे लिए? जी सर। लोहरसी के ग्रामीण आपके पास कुछ शिकायत लेकर गए थे आवास योजना को लेकर, क्या मामला है उनका? जी, हमारे पास भी लोहरसी के ग्रामीणों के द्वारा आवेदन पत्र मिला हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यापति के द्वारा और उनके बिचौलिया के द्वारा पैसा की उगाही की गई है
मैंने आवेदन को पढ़ा है, लाभुक से भी हमने बात किया है और बहुत सारे लाभुक ने हमको मोबाइल पर भी सूचित करके इस मामला को संज्ञान में दिया था और उन्होंने इसकी प्रतिलिपि भी विकास आयुक्त को दिए हैं, उपायुक्त सर को दिए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए हैं, हमारे जिला परिषद आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जाएगी? हमारे स्तर से मैं बोर्ड की बैठक में इसको रखूंगी। अगर ये आरोप सही है कि गलत है इसका जांच होना चाहिए, अगर ये सही है तो कार्रवाई होना चाहिए निश्चित तौर पर और मैं अपने ग्रामीणों के इसमें पूर्ण सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ।